यहाँ पे जितने बैठे हैं स्टेज पे अफसरान और जितने भी मुअज्जज हैं, मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे मौका दिए कि मैं यहाँ आके बोल सकूँ। मेरा है मकाला, उर्दू रूह तक पहुँचने वाली जुबान है। यह एक ऐसा लफ्ज है जो गजलों में जिंदगी भर देता है। यही वजह है कि उर्दू में लिखे गीत, शायरी और नज्म हमारे दिलों तक पहुँचते हैं। उर्दू सिर्फ जुबान ही नहीं, ये एक एहसास है जो हमें तहजीब सिखाती है, जो हमें बात करने का सलीका सिखाती है, जो हमारे बोली पे मिठास डालती है। इसी पे एक शेर अर्ज है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बहुत अच्छा, बहुत खूब। उर्दू एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आती है। ये दुनिया भर में लगभग 7 करोड़ लोगों की मादरी जुबान है। भारत में उर्दू की पैदाइश 12वीं शताब्दी के दौर से माना जाता है। उर्दू जुबान तुर्क जुबान से आए हैं जिसके माने लश्कर होते हैं। मुगलिया बादशाह जब हिंदुस्तान आई तब उर्दू जोर शोर से फैलने लगी। उसके बाद 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के दौर में मशहूर शायर अमीर खुसरो ने उर्दू जुबान की तरक्की में एक अहम रोल निभाया, जिसके कारण उनको उर्दू के लिटरेचर के पिता भी कहा जाता है। उर्दू को साहित्य मान्यता पहली बार दक्षिण एशिया में मिली। उर्दू की भौगोलिक विस्तार भारत में हुआ है। हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत मशहूर है भाषाओं को लेकर, कहा जाता है कि अगर हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू मौसी है। इसी से पता चलता है कि भाषाओं को कितनी अहमियत दी गई है, जिसमें एक पाक रिश्ता दिखाई गई है। इसी पे एक हमारे महरूम मशहूर शायर मुनव्वर राना जी ने कहा है, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं, दुनिया की दो जिंदा जवानों में भी नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सब भाषा अपने अपने जगह है। उर्दू सिर्फ कौमी जुबान ही नहीं है, दूसरी कौमी जुबान है। भारत पूरे वर्ल्ड में 70 बिलियन के ये फर्स्ट लैंग्वेज है और 100 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी ये दूसरी कौमी भाषा है। उर्दू बहुत मिठास वाली जुबान है और ये तो हमारी मजहबी जुबान भी है और सबको बोली जाने वाली जुबान है। जैसे कि हमारे एक शायर ने कहे कि ये कैमरा है जिसके 3 पैर पे खड़े हैं, हिंदी उर्दू इंग्लिश, लेकिन अगर उसमें से एक भी हटा दिया जाए तो वो नहीं खड़ा रह पाएगा। इसलिए हर भाषा की, हर जुबान की उनकी अहमियत है। वैसे ही जैसे कि आपको पता है कि ये फरोगे उर्दू है, तो हम उर्दू की अहमियत के बारे में बता रहे हैं, इसलिए उर्दू के बारे में कह रहे हैं कि उर्दू की भी बहुत अहमियत है। और हमारी जो तालीम शुरू होती है वो हमारे घरों से होती है, तो सबसे पहले हमारे माँ बाप को, हमारे घर वाले जो उनको होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें, उनको सिखाए, उनको बताए कि ये क्या है। उनके बाद उनको उसमें दिलचस्पी आएगी, फिर बाहर निकलेंगे तब वो उसमें जागृत होंगे कि हम इस चीज को पढ़े। इसी पे एक शेर है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। वैसे तो आज उर्दू जुबान बहुत आगे आए हैं और मैं सरकार और आला अफसरों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करके हम लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मैं माजर चाहती हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, जो मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहती हूँ हमारी हुकूमत और हमारी अफसरानों से कि इस कमी को पूरी की जाए। मैं जैसा कि कहे कि अभी उर्दू टीचर की बहाली हुई है, लेकिन अभी भी ऐसे स्कूल कॉलेज है जहाँ पे उर्दू की शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हर बच्चे की उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो बाहर से ले सके। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ऐसे स्कूलों में शिक्षक जल्द से जल्द बहाल करे। और एक कॉलेज है मधेपुरा में, सरकारी कॉलेज होते हुए भी, वहाँ उर्दू फैकल्टी होते हुए भी टीचर नहीं है, जिस कारण बच्चों को नहीं रखने दिया गया उर्दू। मैं खुद की बात कर रही हूँ, पीएस कॉलेज में उर्दू फैकल्टी होते हुए भी उसमें टीचर नहीं है, जिसके कारण कहा गया कि आप हिंदी या इंग्लिश में रखें, उर्दू नहीं रख सकते,
है क्योंकि टीचर नहीं है। तो ऐसे नाइंसाफी अगर ऐसी कमी रहेगी तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग उर्दू में बोल सके। जैसे आगे बढ़ रहे वैसे तालीम भी मिलनी चाहिए। तो अभी बहुत से स्कूल कॉलेज है जहाँ पे अभी कमी है, जो सरकार हमारी हुकूमत पूरी करे। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि ये कमी को मुकम्मल करे। और मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। साथ रही है साथ रहेगी जान हमारी उर्दू है, साथ रही है साथ रहेगी जान हमारी उर्दू है, उर्दू की पहचान है हमसे, पहचान हमारी उर्दू है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया।